गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा बुक होता है बीएससी सेकंड ईयर, उसका हम लोग सेकंड यूनिट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं ना। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म सेम होता है। उसमें क्या होता है, जैसे हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन का फार्मूला बनते जाता है, वैसे यहाँ पे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला देखेंगे तो उसी से ही इन्वर्स होके आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ फार्मूला नोट किए हुए हैं, है ना, हम उसको देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमारा है कुछ फार्मूला मैंने लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे एल हमारा क्या होता है, लाप्लास होता है ना। एल को हम लाप्लास से नोट करते हैं, तो लाप्लास वन इक्वल टू आपका होता है 1/s। ये हमारा क्या एक फार्मूला है, यदि हम लोग सारे फार्मूले को याद कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन एकदम आसानी से इजी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा एल वन इक्वल टू क्या है, 1/s है, तो जस्ट लाप्लास है ये। तो लाप्लास इन्वर्स में क्या होता है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं ना, तो आपका एल इन्वर्स हो जाएगा और 1/s इधर आ जाएगा, तो 1 आपका इधर, तो ये क्या कहलाएगा, एल इनवर्स 1/s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब कहीं पे भी एल इनवर्स 1/s है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो पहले तो हम लोग लाप्लास देख लेते हैं, उसके बाद ये इनवर्स को देखेंगे। ठीक है, तो लाप्लास का फार्मूला पहले देखते हैं। ठीक है, एल वन इक्वल टू 1/s होता है, इसको अपन को याद करना है। सेकेंड लाप्लास फार्मूला, और ये हमारे सारे फार्मूले को हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला है उसको अपन प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ये होता है एल वन इक्वल टू 1/s, इसको अपन प्रूफ भी करेंगे, है ना। या खैर, ये हम लोग जान लेते हैं कि हमारा ये फार्मूला है। सेकंड होता है एल ई की पावर ए टी इक्वल टू होता है 1/s माइनस ए। यहाँ पे ए हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट रहता है ना, ये क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है। सेकेंड है एल ई की पावर ए टी इक्वल टू 1/s माइनस 1। थर्ड होता है हमारा एल टी की पावर एन इक्वल टू, तो ये इसका हमारा दो फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब ये दो बोलते हैं इसको, या तो आप एन फैक्टोरियल अपान एस की पावर एन प्लस वन, या तो आप गामा एन प्लस वन एस की पावर एन प्लस वन होता है। या तो आप एन फैक्टोरियल बोलो या तो एन प्लस वन बोलो, ठीक है, मतलब गामा एन प्लस वन। जैसे मैं उस दिन फार्मूला एक क्वेश्चन अपलोड की थी ना, वहाँ पे मैं बताई थी आर फैक्टोरियल इक्वल टू होता है गामा आर प्लस वन, ये वही है। ठीक है, आर की जगह पे यहाँ पे क्या है, एन है। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में आता है ये फार्मूला, इसको प्रूफ करके अपन दिखाएंगे बहुत इजी तरीके से। फिर आपका चौथा होता है एल ई की पावर ए की पावर टी। ठीक है, एल ए की पावर टी इसका होता है 1/, ठीक है, ये हमारा 1 है, 1/s माइनस लॉग ई ए। ठीक है, फिर हमारा होता है एल साइन ए टी, ए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ना, तो साइन जानते हैं साइन हमारा विषम पद होता है, और कॉस हमारा क्या हो, सम पद होता है, मतलब है ना, ये हमारा सम होता है, ये हमारा विषम होता है। ठीक है, इवन और ऑड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल साइन ए टी का होता है 1/s² प्लस ए स्क्वायर, कॉस के लिए हमारा होता है 1/s² प्लस ए। अपॉन क्या होता है, हमारा सेम होता है, हर हमारा दोनों का सेम है, बट ऊपर क्या है, साइन के लिए एक कांस्टेंट वाला टर्म ऊपर होता है, है ना, और कॉस के लिए एस वाला टर्म ऊपर होता है। ठीक है, याद रखना दोनों को, साइन एटी का a² प्लस a² नीचे तो आपका सेम है, ऊपर बस याद रखना साइन का a आता है, कॉस एस का यहाँ पे s आएगा। ठीक है, अब ये साइन h80, मतलब h का मतलब समझते हो सब लोग, हाइपरबोलिक होता है ना, तो साइन h80 का क्या होता है, a/, बस हाइपरबोलिक में क्या होता है, माइनस में आ जाता है। देखो साइन 80 कॉस 80 दोनों सेम है, बस इसी क्या है प्लस में, और ये दोनों क्या आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। सेम फार्मूला सेम है, हाइपरबोलिक आएगा तो अब का माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एल ई की पावर 80 साइन बीटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला भी होता है ना, प्रूफ करने के टाइम बताएंगे अपन को। एल ई की पावर 80 साइन बीटी का होता है बी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, बी है ना, तो बी एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ई की पावर 80 कॉस बी टी का हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म को लेते हैं, है ना, क्योंकि विषम रहता है, तो और यहाँ पे कॉस बी टी है, तो एस माइनस ए, एस माइनस ए का स्क्वायर, ये भी आपका हर दोनों का सेम रहेगा, ऊपर बस को ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला होता है एल टी साइन ए टी का होता है 2as। ठीक है, यहाँ पे 2as अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, लाप्लास का फार्मूला हो गया, और जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, लाप्लास इन्वर्स। ठीक है, अब इन्वर्स को एक बार बता देते हैं। देखिए 1 था तो उसको पक्षांतर किए तो आपको ये मिल गया एस माइनस वन, इधर ये भी पक्षांतर हो के इधर आएगा, तो ई की पावर 80 आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ये क्या है, एन आपका वो एक नंबर है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट है करके, उसको हम लोग क्या कहें, टी की पावर एन है, तो एन फैक्टोरियल का आप नीचे ले लिए तो आपका ये मिल गया।
ये आपका इधर आएगा तो ये आपका पक्षांतर एल इनवर्स में, ये आपका ए की पावर टी उधर हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए टी का क्या हो जाएगा, अब वन बाई ए है तो ये तो कॉन्स्टेंट है, उसलिए इसको बाहर ले लेते हैं तो अब उधर जाएगा तो वन अपान ए हो जाएगा, साइन ए टी हो गया। वैसे आपका ये कॉस ए टी है ना, ये आपका हाइपरबोलिक का वन बाई ए, इसका भी इधर चला जाएगा, कॉस का आपका ये हो जाएगा। ध्यान से देखते जाएंगे, बस एल को क्या है पक्षांतर बस करें, हमको लाप्लास को लाप्लास इनवर्स बनाना है, ठीक है। फिर इसका ये हो जाएगा आपका वन बाई बी ए की पावर ए टी साइन बेटी, इसका हो जाएगा आपका ये है ना, और ये हो जाएगा आपका ही। सबसे पहले आपको लाप्लास और लाप्लास इनवर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले लाप्लास का सारा फार्मूला रटना पड़ेगा, उसका इनवर्स का फार्मूला रटना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सारे फार्मूले को प्रूफ करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, इसको आप याद करिए है ना। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाप्लास इनवर्स का एक फार्मूला होता है, क्योंकि हम लोग जितना भी अभी फार्मूला पढ़े हैं लाप्लास इनवर्स का, सारे फार्मूला को प्रूफ करने के लिए कोई तो एक फार्मूला चाहिए ना, जिसमें हम लोग पुट करके लाप्लास इनवर्स का फार्मूला ला सके है ना। तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है एल एफ टी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पे एल क्या है लाप्लास है, एफ टी क्या हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम उसको प्रूफ करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे उसका, तो जीरो से इन्फिनिटी क्या है उसका इंटीग्रेशन लेंगे e की पावर माइनस एस टी है ना, ये तो हमारा फार्मूला ही होता है। और एफ टी, एफ टी हमारा क्या है फंक्शन है, ठीक है। इसी की जगह पे हमको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, एफ टी इक्वल टू कुछ दिया होगा है ना, क्योंकि देखो एफ टी है तो एल, एल की जगह पे वहाँ पे क्या था वन था है ना, वन का क्या आया था आपको वन बाई एस पहले फार्मूला में, वही आपको प्रूफ करना है। तो इसी फार्मूला के थ्रू हम कोई भी क्वेश्चन को या कोई भी फार्मूला को प्रूफ करेंगे, जैसे यही था है ना एल वन, तो हम लोग क्या याद किए थे, हमको तो वैसे भी याद है एल वन का क्या होता है वन बाई एस, तो इसको अपन प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं ये फार्मूला है ना, मैं क्या बोली इसी फार्मूले में बस एफ टी की जगह पे क्या किस एफ टी किसके बराबर है, देखो एफ टी वन के बराबर है ना, तो एफ टी के प्लेस पे क्या कर देंगे हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसको वन को, तो एफ टी, एफ टी इक्वल टू क्या दिया वन, यहाँ पे आ गया आपका वन, ठीक है। तो वन को यहाँ पे पुट कर दिया, अब वन है तो वन, तो वन का इसके साथ इंटू होगा तो वन ही है वो तो है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स, आप फार्मूला पढ़े हो इंटीग्रेशन करने से, तो क्या हो जाता है ए एक्स होता है, ए आपका नीचे आ जाता है ना एक फार्मूला के थ्रू, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन क्या है कॉन्स्टेंट, अब नीचे आ जाए तो माइनस ए जीरो से इन्फिनिटिव है ना, एक बार क्या रखेंगे लिमिट आप जीरो रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे इन्फिनिटिव, तो ई की पावर इन्फिनिटिव का क्या होता है जीरो होता है, ई की पावर जीरो का अपन क्या पढ़े हैं वन पढ़े हैं, तो ये आप सबसे पहले तो वन अपन माइनस इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं ताकि हम इसका लिमिट पुट कर सकें, ठीक है। ये आपका बाहर हो गया, ई की पावर इन्फिनिटिव का तो जीरो होता है, ई की पावर जीरो का आपका वन हो जाएगा ये, और ये माइनस वन, माइनस वन से क्या हो जाएगा वन बाई, तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, पहला फार्मूला आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग सेकंड फार्मूला पढ़े हैं ई की पावर ए टी, तो ई की पावर ए टी का क्या फार्मूला याद किया इसको आप लोग याद करो, हम लोग ई की पावर ए टी इक्वल टू क्या लिखे थे इसको भी चलो याद नहीं होगा तो भी अपन प्रूफ कर सकते, इसको भी हम लोग देखो एफ टी के जगह पे क्या दिया हुआ है एफ टी है, एफ टी के जगह पे क्या दिया ई की पावर ए टी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं पुट कर लेंगे वहाँ पे एफ टी के जगह पे ई की पावर ए टी, ये देखिए आप, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या आगे देखते हैं है ना, ई की पावर ए टी क्या है एफ टी के जगह पे अपन पुट कर दे ई की पावर ए टी, और यहाँ पे आपका हो गया है ना ई की एफ टी के जगह पे ई की पावर ए टी। अब देखो यहाँ पे क्या है दोनों का बेस क्या है सेम है, तो हम लोग जानते हैं कि आधार समान होने पर घात आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। क्या है दोनों का बेस आपका सेम है, तो उसका जो यहाँ पे जो स्क्वायर में जो दिया हुआ है वो आपस में क्या होता है प्लस हो जाता है ना, तो दोनों को क्या कर देते हैं टी को हम लोग बाहर लेके दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको आप फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये, फिर यहाँ से वन अपान एस माइनस ए को बाहर ले लेंगे, फिर लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद इसकी वैल्यू जीरो ही है तो आप बुला चुके हो जीरो वन है ना, तो ये आपको फिर माइनस माइनस का प्लस, तो आपका ई की पावर माइनस ए टी का सॉरी ई की पावर ए टी का आप क्या पढ़े थे वन अपान एस माइनस ए, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है ना, आपको प्रूफ करके भी दिखाना। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है साइन ए टी और कॉस ए टी का, तो उसका भी अपन नोट किए हुए हैं, उसको हम लोग दिखा देते हैं कि लाप्लास साइन ए टी। अब साइन ए टी किसके जगह पे दिया है एफ टी के जगह पे है ना, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं उसी फार्मूला को फिर रख देते हैं एफ टी के जगह पे क्या है साइन एफ टी है ना, तो हम लोग यहाँ पे एफ टी के क्या रिप्लेस कर दिए साइन ए टी, यहाँ पे भी साइन ए टी। अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है, सब याद करो हम लोगों ने 10वीं में 12वीं में 11वीं में है ना 11th 12th में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे मतलब ये देखिए e की पावर x साइन bx डी एक्स इक्वल टू e की पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था, सबको याद होगा, याद नहीं होगा तो एक बार रिवाइज कीजिए, है ना। ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये फार्मूला आपको, ये आपका फार्मूला आपको लाप्लास में या इसके आगे बहुत जगह आपको ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब ये हमारा ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे देखो ई की पावर हमारा ए टी तो है, ए से टी है ही, एफ टी के जगह पे क्या है साइन ए टी, तो उसी फार्मूला में आ रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई। देखो क्या था वहाँ पे हमारा फार्मूला, साइन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स था, तो हमारा ए के एक्स के जगह पे क्या दिया है, माइनस साइन ए सॉरी माइनस एस टी दिया है, और आपका साइन बी एक्स के जगह बी के जगह पे क्या दिया, ए दिया। अब उसी फार्मूले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं अपन, तो ई की पावर माइनस एस टी, अब ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है माइनस एस है, तो माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आपका बी एक्स था, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या दिया था, देखो यहाँ पे ए साइन बी एक्स था, तो ए की जगह पे माइनस ए साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी, फिर आपका जीरो से इन्फिनिटी, फिर आपको फिर ये बाहर निकाल लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, तो वन अपन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर हो गया। फिर इसमें क्या करते हैं, लिमिट पुट करने के लिए एक बार हम लोग जीरो लिमिट पुट करेंगे, एक बार आप यहाँ पे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पहले पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको इसकी ये हो गया, जीरो पुट करने से आपको ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका बाहर हो गया, और फिर हम लोग जानते हैं कि साइन जीरो का जीरो होता है, कॉस जीरो का वन होता है ना, तो ये हो गया, और उसकी पूरी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी रखे थे तो जीरो हो गया, माइनस अभी की पावर जीरो का वन हो गया, फिर आपका ई की पावर ए कॉस जीरो का, अब यहाँ पे हमारा क्या था, कॉस जीरो था, कॉस जीरो की वैल्यू आपकी वन होती है, तो वहाँ पे वन इंटू ए, तो जीरो माइनस ए हो गया, है ना। तो आपका अब क्या मिल गया आपको, ए, तो ये हो गया, ए का माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ए अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही हम फार्म पढ़े थे कि एल साइन ए टी इक्वल टू ए अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है ना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाप्लास का साइन ए टी कॉस ए टी का इस क्वेश्चन आता ही। अब आप स्वयं कॉस ए टी का क्वेश्चन खुद प्रूफ करके देखिए, आपको समझ में आएगा, ये फार्मूला उसका भी सेम रहेगा, बस आप क्या करेंगे जहाँ पे, क्योंकि देखो ये साइन का जो फार्मूला होता है ना, साइन बी एक्स, वैसे कॉस का भी, देखो मैं दिखा ही देती हूँ, ई की पावर, ये भी आप नोट कर लेना, ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स का, तो जहाँ पे साइन था वहाँ के यहाँ पे कॉस दिया है, बस उसमें साइन में क्या था, माइनस रहता है, और कॉस में क्या होता है, ये प्लस रहता है, इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे कॉस की जगह साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, तो ठीक है। तो ये आप खुद बना के देखिए अपने मन से, तो ठीक है, थैंक यू।